हरा रंग, केसरिया यानी कि भगवा रंग, सफ़ेद रंग, ये तमाम जो रंग हैं हमारे तिरंगे में भी आते हैं, लेकिन कुछ सालों से आपने देखा होगा कि कलर्स का यानी कि जो हमारे रंग हैं उनका बंटवारा हो चुका है। अगर भगवा रंग की बात करते हैं तो बिल्कुल साफ नज़र आ जाता है कि भगवा के अंदर जो पहने हुए लोग हैं, साधु संत हैं या जुलूस में निकले हुए लोग हैं, जो अक्सर बेशतर माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। और अगर हरे रंग की बात आ जाती है तो बिल्कुल साफ पता चल जाता है कि ये शायद मुस्लिमों का रंग है। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर हरा रंग है, तमाम पेड़ पौधे हरे रंग के होते हैं, सब्ज़ हरे रंग को कहा जाता है। जब ये हरियाली आती है पूरे जो है ज़मीन महक जाती है, ऐसे तो माना जाता है कि मगर इस हरे रंग से परेशानी हो गई। वजह क्या रही? उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ईद के मौके पर एक बिल्डिंग है महाराज छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, पुराना है मेट्रोपॉलिटन जो हेरिटेजेस बिल्डिंग है उनको, इसी तरह की अंग्रेज़ों की बनाई हुई हैं वो, उसको हरे रंग का कर दिया ईद की खुशी में। बस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को परेशानी हो गई, यानी कि हरे रंग से परेशानी। ये उद्धव ठाकरे कौन हैं, इनके फादर कौन हैं, ये आप जानते हैं। लेकिन मैं खबर की शुरुआत करता हूँ। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ये भारतीय जनता पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी भी हैं यूथ के, और स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं, और काफ़ी सारा अभी आपको याद होगा पंजाब पुलिस इनको ढूंढते हुए पहुंची थी, भागे हुए थे, अरविंद केजरीवाल के बारे में कुछ कह दिया था। इन्होंने ट्वीट किया है, इन्होंने लिखा इम्प्रेस्ड विद, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा अगला शब्द आपकी स्क्रीन पर है, मोहम्मद उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे को मुस्लिम ही बना दिया, यानी कि उसने अगर हिंदू मुस्लिम की एक मिलने की, ईद पर गले मिलने की या आपस में भाईचारे की एक मिसाल पेश की तो उनका नाम ही उद्धव ठाकरे से मोहम्मद उद्धव ठाकरे कर दिया। यानी कि बिल्कुल ये साबित कर दिया कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो हिंदू राजनीति से कोई मतलब नहीं रखते, वो मुस्लिम हैं। आगे उन्होंने ट्वीट किया ANI का वो कि महाराष्ट्र मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन इल्यूमिनेटेड ऑन द ईव ऑफ ईद उल फितर। ईद उल फितर के मौके पर ये रेलवे टर्मिनस जो है, रेलवे स्टेशन है ये लोकल, वहाँ पर इसको हरे रंग का आपकी स्क्रीन पर लगा दिया। बस फिर क्या था? और एक बात मैं और भी बताऊंगा दर्शकों को इनके बारे में भी, और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में तो मैं आपको अक्सर बताता रहता हूं, लेकिन इन्होंने कौन सा माहौल तैयार कर दिया ये भी आपको देखना चाहिए। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि ये तो है खबर, अब मैं आपसे अगर ये पूछूं या इनसे ये सवाल नहीं होना चाहिए कि इन्होंने तो सिर्फ हरा रंग किया है, आपने यानी कि जब तक ये भारतीय जनता पार्टी के साथ रही शिवसेना सरकार बनाते रहे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जैसे ही कांग्रेस आई और NCP के साथ सरकार बनी उद्धव ठाकरे को मोहम्मद उद्धव ठाकरे कर दिया। लेकिन आप कुछ करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा कि मिसाल के तौर पे महबूबा मुफ्ती आप जानते हैं कश्मीर की चीफ मिनिस्टर रही हैं, और सेना के बारे में क्या क्या शब्द उन्होंने कहे हैं ये आप जानते हैं, अफजल गुरी की मौत के बारे में क्या कहा उन्होंने ये भी आप जानते हैं, और भारत के संविधान में निष्ठा नहीं रखने का 50 बार उन्होंने ऐलान कर दिया ये भी आप जानते हैं। उनके साथ आप सरकार बना जाते हैं तो महबूबा मुफ्ती भी भारतीय जनता पार्टी की लगने लगती हैं, मुस्लिम से हिंदू लगने लगती हैं। लेकिन अगर उद्धव ठाकरे एक मौके पर, सिर्फ ईद के मौके पर एक रेलवे स्टेशन का रंग, वो भी वहाँ पे, शायद मैं समझता हूँ वहाँ की जो लोकल बॉडीज़ हैं उनका काम होगा ये, है ना, उसका हरा रंग हो गया तो इनको प्रॉब्लम हो गई। आप इस बात का अंदाज़ा कीजिए कि आप कुछ भी करें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन अगर आपका साथी जो आपके साथ था, जो हिंदुत्व की राजनीति करके ही आगे बढ़े हैं, संजय राउत का एक बयान मैं आपको बताता हूं दर्शकों, लोकसभा के अंदर, सॉरी राज्यसभा के अंदर, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक बार डपटते हुए कहा कि हिंदुत्व के बारे में हमें ना पढ़ाएं, इस स्कूल के हम हेडमास्टर हैं। और बाला साहब ठाकरे की जो पूरी राजनीति थी, बाबरी मस्जिद को लेकर के ले लीजिए या हिंदुत्व के किसी भी मुद्दे को लेकर ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का उदय भी नहीं हुआ था उस समय जब वो मुखर थे, हिंदू धर्म की बात करते थे,
हिंदुत्व की बात करते थे, हार्ड कोर राजनीति करते थे। लेकिन अब अगर उनके बेटे ने आकर के सरकार इनके साथ बनाने के बाद कुछ कड़वे तजुर्बे हुए, राजनीति से अलग जा करके एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बना ली, तो अब हुआ क्या है कि उद्धव ठाकरे को ये बिल्कुल मुसलमान बनाने पर तुले हुए हैं। एक राजनीति का ये बन भी चुका है कि अगर आपको किसी की राजनीति नगण्य यानी कि बिल्कुल जीरो करनी है, तो उसे आप या तो उसके सिर पर टोपी पहना दीजिए, दिखा दीजिए कि ये मुसलमान है। इसलिए टोपी पहनते हुए प्रधानमंत्री खुद भी डरे हैं और बाकी नेताओं भी। आपने देखा अभी ईद आई है, ईद में प्रधानमंत्री जी का तो मैंने खुद ट्विटर पे देखा, उन्होंने विश किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता परशुराम जी की जयंती पर विश कर रहे हैं, है ना, तृतीय अक्षय क्या है उसके बारे में विश कर रहे हैं, लेकिन ईद उल फितर ईद की विशेष नहीं दे रहे। कहने का मतलब यह कि देश किस तरफ जा रहा है दर्शकों, इस बात का सहज अंदाजा कीजिए। एक हरा रंग रेलवे स्टेशन पर कर दिया जाता है तो इनको लगता है कि जैसे इनकी तमाम की तमाम जो इनकी जो परंपराएं हैं वो ध्वस्त हो जाएंगी। अब अगर शाहरुख खान की तस्वीर अलबुर्ज खलीफा क्या है वो दुबई में, वहां पर अगर वो लगा देते हैं तो क्या बॉलीवुड का हो जाता है बुर्ज खलीफा? क्या बॉलीवुड का कब्जा हो जाता है? क्या शाहरुख खान का कब्जा हो जाता है? ऑनर देने की बात है, इतनी छोटी सी मानसिकता है। एक बात और भी देखिए, मैं बहुत खुले लफ्जों में कहता हूं कि जितनी भी देश के अंदर हेट स्पीचेस हैं, चाहे वो किसी साधु संत ने दी हो, चाहे वो किसी जुलूस के अंदर दी गई हो, आपको सिर्फ एक पार्टी ऐसी नजर आएगी जो उसको कंडेम नहीं कर रही है खुल करके और अंदर खाने भी नहीं कर रही है। कौन? भारतीय जनता पार्टी। आप खरगोन ले लें, जहांगीरपुरी ले लें, उत्तर प्रदेश कहीं भी ले लें, जहां पर भी छोटे मोटे दंगे हुए हैं वहां पर अगर पथराव हुआ तो उसके बारे में तो आकर बोलें, लेकिन धर्म संसद के अंदर नारे लगाए हों या ऐसे उत्तेजित करने वाले प्रवोक करने वाले लोगों को नारे लगाए हों जिसके अंदर विशेष संप्रदाय का नाम होता है, टोपी टापी का नाम होता है, है ना, उनको कंडेम करने के लिए बैठा हुआ मंत्री से लेकर संतरी तक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कोई बोलने को तैयार नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो लोग अगर जहर बिखेरते हैं तो उनसे आपको कोई परहेज नहीं है, लेकिन उद्धव ठाकरे अगर ईद की थोड़ी सी ये दिखाते हुए भाईचारे की वो करते हैं, महाराष्ट्र सरकार अगर करती है, हरे रंग का अगर एक रेलवे टर्मिनल रेलवे स्टेशन को लाइटिंग कर दी जाती है तो वो मुसलमानों का रंग हो जाता है। अगर हो भी जाता है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आपने ही रंग बांटे, वरना 10-12 बरस पहले तो दर्शकों को आप अंदाजा कर सकते थे हरे रंग भगवा रंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। आज भगवा रंग अगर कोई पहन करके निकल जाए, अभी मैं बताता हूं उत्तर प्रदेश के मेरठ एक शहर की बात, एक भारतीय जनता पार्टी का दर्शक था मुस्लिम, सॉरी वोटर था मुस्लिम, कार्यकर्ता भी था, वो पूरी अपनी जो है ना भगवा ड्रेस पहन करके आ गया, तमाम ईदगाह में लोग उसको देखने लगे, अरे भाई ये भगवा रंग है। इस भगवा रंग को मशकूक पॉइंटेड किसने कर दिया? आप लोगों ने तो कर दिया, आपने धर्म बांट दिए, आपने खाने बांट दिए, हराम हलाल बांट दी। बहरहाल बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे ने अगर ये काम कर दिया तो तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के मिर्ची लग गई और परेशान हो गए। मैं लोगों की वो बातें कहलाना भूल गया। एक मुसाब लिखते हैं, मयूर दियोरा, नाउ आई कांट बिलीव इज दिस द मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज एंड बाला साहब ठाकरे जी वॉन्टेड एज द प्राउडनेस ऑफ हिंदुस्तान। रीड अबाउट शिवाजी महाराज, मतलब लोगों के अंदर भी इतना जहर पैदा हो गया है कि मैं आपको क्या बताऊं। फिरोज खान एक लिखते हैं कि भाई तुम गुरुद्वारा जाने की आदत डालो, शायद वहां से कुछ सीख सको, वहां बहुत उदारता देखने को मिलती है, तुम भी सही हो सकते हो। ये सिख हैं तेजिंदर पाल सिंह बग्गा, ये जहर उगल रहे हैं चूंकि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्समैन हैं, तो इनके बारे में एक मशवरा दिया गया कि आप कम से कम गुरुद्वारा जाना शुरू कर दो, वहां से प्रेम का दया का जो पाठ मिलता है जो सिख समाज ने पूरी दुनिया को दिया है, हो सकता है उसका कोई पाठ मिल जाए, तो फिर ये रंगों के अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। आपको खबर कैसी लगी दर्शकों, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद।